मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं है। क्या हम आपकी चीज कब्जा कर लेंगे 500 साल तो क्या मेरी हो जाएगी? नहीं, कब्जा तो नाजायज नाजायज रहेगा, सीधी बात है। कब्जा नाजायज तो नाजायज कहलाएगा ना, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कोई क्रिमिनल आके आपकी चीज कब्जा कर लेगा तो क्या वो आपकी उसकी हो जाएगी? आज जोगी बाबा ने यही कर रहे ना, जितने क्रिमिनल है सबसे हम जमीन छुड़ा छुड़ा के बुलडोजर चला के जिसकी है उसको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो कब्जा के की चीज कब्जा ही कहलाएगी। ये नहीं कि 500 साल से मेरा कब्जा तो मेरी हो जाएगी, नहीं ना होगा। जो सच्चाई है उसे मुंह मत मोड़िए। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, देश हिंदू का है। कोई भी आके रहे, देश का बंटवारा हो गया उसके बाद भी मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, किसके बदौलत रह रहे हैं? हिंदू के बदौलत कि किसी और के बदौलत? इतिहास में आप पढ़ेंगे निकाल के तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि जब वो औरंगजेब आया था कई बार आक्रमण किया था बनारस में और कई सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर बनाया, उसमें पूरा प्रमाण मिलता है लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी वो सर्वे होता है तो उसमें कुछ ना कुछ निकलता है, तो कुछ है तभी ना निकल रहा है। और ऐसे भी बनारस बाबा की नगरी है, बाबा का जो कोई डंडा करेगा तो बाबा टिश्यू निकाल कर पलट देंगे। ज्ञानवापी को लेकर जो सर्वेक्षण अभी हो रहा है बनारस में, क्या कहेंगे उसको? सर्वेक्षण हो रहा है, इसको और जल्दी होना चाहिए था। जो माता जो भगवान का मंदिर है वो तो कोई अंधा व्यक्ति भी जाएगा तो वहाँ तो उसको दर्शन हो जाएंगे, स्पर्श करके वही दर्शन करेगा तो उसको दर्शन हो जाएंगे। ये जो काम अभी हो रहा है बहुत लेट हो रहा है, इसको बहुत पहले होना चाहिए था। क्योंकि काशी धन्य तमा विमुक्त नगरी शालंकृता गंगया, ये धन्य नगरी है और काशी की नगरी के बगल में गंगा विराजमान है। काशी धन्य इसलिए कहा गया पुराणों में, काशी धन्य तमा विमुक्त नगरी शालंकृता गंगया तन्नेयम मणिकर्णिका शुकरी मुक्तिर्हित किंकरी और स्वर लोकस्तुलिता सहैव विभुवई काश्याम सबम ब्राह्मणम। काशी का एक एक कंकड़ शिव के स्वरूप में है, यहाँ में हर व्यक्ति में भगवान शिव का वास होता है कण कण में। इसीलिए जो बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं मरने के लिए आते हैं। ऐसा सौभाग्य हुआ हमको जो हम यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। और जो ये ज्ञानवापी का काम भी हो रहा है इसको बहुत पहले होना चाहिए था, अभी नहीं होना चाहिए था। जो मंदिर में भी आप जाएंगे जो स्पर्श करके जब आप दर्शन करेंगे नंदी का जहाँ मुख है तो पीछे से आपको श्रृंगार गौरी के दर्शन ऐसे ही हो जाएंगे। अंधा व्यक्ति भी जाएगा तो उसको दर्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई आँख लेकर ही जाए, यही कहेंगे। और जो ये योगी सरकार कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। बताइए सर क्या कहेंगे, जो सर्वेक्षण हो रहा है ज्ञानवापी का क्या कहना होगा? जो सर्वेक्षण हो रहा है उससे हम बहुत खुश हैं, यहाँ का झंडा भी बहुत संतुष्ट है और हम तो यही चाह रहे हैं कि फैसला जल्द से जल्द हो। अब पद हम लोगों का ही है, पद हम लोगों का ही है, बस यही चाहते हैं। हर हर महादेव। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि ये तो मस्जिद है, हम तो कई वर्षों से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। अरे तो एक अंधा भी देख के बता देगा इसके ऊपर छत कौन सा बना है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है। एक तो अनाथ आदमी भी देख के बता देगा कि वहाँ पर त्रिशूल है, घंटा है, हर चीज है। आज की बात तो है नहीं कि वो पूरा टीवी में दिखा रहा है तो एकदम सही है। और मुस्लिम लोग को भी सोचना चाहिए, कुछ हिंदू पक्ष को उसी तरह सौंप दें। आओ क्या वाद विवाद करने क्या फायदा? वाद विवाद मटर हर ही है, हर संविधान इनको ये समझना चाहिए तो जो जो जबरदस्ती कर रहे हैं इनको ठोक देना चाहिए कि नहीं ठीक है आपका है, अपना सर्वे हो रहा है। जान भी रहे कि औरंगजेब तोड़ा था उसको, सर्वे का कोई मान विश्वनाथ जी का मंदिर तोड़ दिया था वो बनवाए, वो जान भी है तब भी ये हो रहा है। वो तो कह रहे कि औरंगजेब बड़ा मजहबी व्यक्ति था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ही नहीं सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो मुसलमान जो कथा कथित राजनीतिक लोग है सिर्फ जो सिर्फ वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं वही लोग सब कह रहे हैं, यहाँ के जो मुसलमान कह रहे हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के ऊपर मस्जिद बन सकता है? कहीं है ऐसा? केवल मस्जिद हो सकता है या मंदिर हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों चीज है। ऊपर का गुमर से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, नीचे भी प्रमाण मिल रहा है, अंदर मिल रहा है, तखाने मिल रहा है, तब कहाँ से आ रहा है? क्या ये तो लोग घुस के बनाए हैं? ऐसा नहीं है ना। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि फैसला हक में हो और शांतिपूर्वक हो, कोई इसमें बवालबाजी नहीं है। यहाँ के हिंदू मुसलमान हुआ है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कभी हुआ है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है? कभी हुआ है इतिहास में कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है? मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है? ये कह रहे कि भाईचारा प्रभावित होगा यदि इस तरह के सर्वेक्षण होंगे। कई वाले बोल रहे हैं, यहाँ वाले नहीं, यहाँ वाले तो सुलझे हैं एकदम, वो तो चाह रहे हैं कि मिल जाए हिंदू लोग को। और क्या, वो तो चाह रहे हैं कि मिल जाए, वो भी देख रहे हैं। यहाँ पर एकदम शांति है,
वो तो चाहते हैं शांति पूर्वक से काम हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ वाले विरोध कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहा है? जो ज्ञानवापी के मुसलमानों के मतलब जो अध्यक्ष हैं नोमानी जी, वो कह रहे हैं कि मस्जिद है, वो तो विरोध कर रहे हैं। यासीन जी विरोध कर रहे हैं? यासीन जी तो ऊपर से विरोध कर रहे हैं ना, तो वो तो ऊपर वाली बात सुन रहे हैं ना, यहाँ के मुसलमानों की बात सुने जो नहीं, वो कहाँ विरोध करेंगे? ये तो राजनीति कर रहे हैं यासीन जी। जो वोट बैंक में वही सब कर रहे हैं। आप भी बोलिए। नहीं, जैसे इतिहास में आप पढ़ेंगे निकाल के, तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि जब वो औरंगजेब आया था, कई बार आक्रमण किया था बनारस में और कई सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर बनाया, उसमें पूरा प्रमाण मिलता है लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी वो सर्वे होता है तो उसमें कुछ ना कुछ निकलता है, तो कुछ है तभी ना निकल रहा है। और ऐसे भी बनारस बाबा की नगरी है, बाबा का जो कोई डंडा करेगा तो बाबा त्रिशूल निकाल कर पलट देंगे। हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर। बताइए सर, आप बनारस ही हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे जो सर्वेक्षण हो रहा है ज्ञानवापी को लेकर? अरे भैया, उसमें महादेव का पहले ही मंदिर है, उसमें क्या छिपाना है, वो खुला सी किताब है, आदमी ढाका ढके रहने दीजिए। अब तो ओपन हो भी करेगा, सर्वे होगा, आगे आएगा निर्णय। हर हर महादेव। वो कह रहे कि पुराने जख्मों को क्यों कुरेदा जा रहा है, जो हो गया सो बात। जब पहले आप जख्म लगा के छोड़े थे, हम लोग चुप थे, नहीं बोले, अब हम बोल रहे हैं तो आपको डर क्यों? क्यों सर्वे से डर है? सर्वे से क्यों डर है भाई? हम लोग तो चुप रहे ना उतना दिन। चलिए भाई, चलने दीजिए, भाईचारा है। अब तो बेचारा, भाईचारा से मतलब क्या हो गया? कहाँ बेचारा बन रहे हो? अब सर्वे में क्या परेशानी है? होबे करेगा सर्वे, और उसके बाद जो निर्णय आएगा सामने आएगा। अरे भाईचारा बिगड़ जाएगा इससे, भाईचारा या कैसे भाईचारा बिगड़ेगा? अपना चीज़ मांग रहे तो भाईचारा बिगड़ेगा? आप हमारा सामान ले ले तो ठीक है, हम अपना चीज़ मांग रहे तो भाईचारा बिगड़ेगा? इसमें कहाँ से आएगा बात? नहीं नहीं नहीं, यह सब फालतू बात है। वो है ना अदालत है ना, निर्णय करेगा, वो निर्णय होने होना है, वहाँ से क्या लेना लादना है। अच्छा, चुनाव को लेके भी राजनीति हो रही है 2024 को लेके। योगी जी कह रहे हैं कि इसको मस्जिद कहना गलत होगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पत्थर रख के क्लेम कर लो। कैसे यार, उसमें तो सब ठीक ठीक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सबूते सारी सबूत नीचे जाइए, तहखाना जाइए, सारी सबूत चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। चुनाव का जो इसमें वो सब नहीं है, चुनाव का माहौल कुछ नहीं है। जो योगी मोदी जी ने किया है इस देश के लिए, आज कई प्रधानमंत्री हम सातवां बार रोड डालने जा रहे हैं। जयललिता ने, सुन लीजिए मेरी बात, लालू जी ने चारा घोटाला किया, मुलायम सिंह आए तो कुछ और करवाए, कुछ और करवाए, चंद्रशेखर ने कितना टन सोना करवाए, लेकिन ये सरकार जो आए हैं मोदी योगी डबल इंजन की सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। गरीबों के घर में देना है, शौचालय बनवाना है, रोड बनना है। आप बैठ के जाइए, यहाँ से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ देखेंगे वहाँ आपको हर चीज़ बना नज़र आएगा। ये घोटाला नहीं कर रहे हैं, ये जनता के लिए काम कर रहे हैं। इनको आगे मौका हम देंगे, पक्ष विपक्ष छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग इनके साथ हैं और रहेंगे हमेशा। चाचा बताइए, आप कहाँ? बनारस से उस पर आइए, हिंदू और मुसलमान की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं है। क्या हम आपकी चीज कब्जा कर लेंगे 500 साल तो क्या मेरी हो जाएगी? नहीं, कब्जा तो नाजायज नाजायज रहेगा, सीधी बात है, कब्जा नाजायज तो नाजायज कहलाएगा ना, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कोई क्रिमिनल आके आपकी चीज कब्जा कर लेगा तो क्या वो आपकी उसकी हो जाएगी? आज जोगी बाबा ने यही कर रहे हैं ना, जितने क्रिमिनल है सबसे जमीन छुड़ा छुड़ा के बुलडोजर चला के जिसकी है उसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो कब्जा की चीज भी कब्जा ही कहलाएगी, ये नहीं कि 500 साल से मेरा कब्जा तो मेरी हो जाएगी, नहीं ना होगा। जो सच्चाई है उसे मुंह मत मोड़िए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, देश हिंदू का है, कोई भी आके रहे, देश का बंटवारा हो गया उसके बाद भी मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, किसके बदौलत रह रहे हैं? हिंदू के बदौलत की किसी और के बदौलत? क्या बात है, बोलिए बजरंग बली की जय। मुस्लिम पक्ष हर महादेव, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये जो हो रहा है भाईचारा बिगड़ जाएगा इससे। भाईचारा तो हिंदुओं ने बनाया हुआ है, वो तो हमेशा बिगाड़ने में लगे रहेंगे। उनमें चुनिंदा जो गंदे लोग हैं, सब मुसलमान गंदे नहीं है, कुछ गंदे लोग हैं जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को गंदा कर दिए। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति को गंदा कर दिया गया है। राजनीति का मतलब क्या होता है?
आप राजनीति राज चलाइए। मैं ये कहते हैं जो गंदा काम है वो गंदी, मतलब राजनीति नहीं, राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति को गंदा कर दिया गया है। ये जो जयचंद की पीढ़ी के जो लोग हैं ना, चाहे हिंदू में चाहे मुसलमान है, यही देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मोदी योगी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मायावती और मोदी जी से मतलब नहीं है, हम बात दूसरी कर रहे हैं। आप बात राजनीति, हमको राजनीतिक आदमी तो है नहीं हम लोग, हम किसी व्यक्ति पर नहीं जा रहे हैं क्या? आप बात की सच्चाई पाइए कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कोई क्रिमिनल या कोई कब्जा कर ले 100-200 साल, तो क्या उसकी हो जाएगी? कब्जा तो कब्जा ही कहलाएगा ना। तो करेगी पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रहे? हो गया, हो गया। जख्म तो जिसके ऊपर लगे उससे पूछिए ना, जख्म किसने कुरेदा है, जख्म किसके ऊपर कुरेदा गया है? अगर आप नेशनाबूत करके बनाते तो जड़ खत्म होती, हम आपकी चीज कब्जा की, अबे तू आवा देखे तू क्या करबा हमारे, ये मतलब है ना, यही मतलब है। और प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी का सेल आउट होता है, धार्मिक प्रॉपर्टी बिक्री नहीं होती है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने खरीदा है, ये भी आप नहीं कर सकते कि हमने खरीदा है। हमारी आपकी निजी प्रॉपर्टी आप हम सेल आउट कर सकते कि हिंदू मुसलमान को बेच दिया, मुसलमान हिंदू या ईसाई को बेच दिया। धार्मिक प्रॉपर्टी का तो सेल खरीद बिक्री होता नहीं है। बताइए चाचा क्या कहेंगे, ज्ञान वापी पे जो सर्वेक्षण हो रहा है क्या? हम तो इसी सब नहीं जानते, हम महंगाई के बारे से बोलेंगे बस। 1200 रुपये का टंकी मिल रहा है, 150 रुपये किलो दाल है, हैं तो गरीब कहाँ से खाएंगे? ये जो मंदिर को सर्वेक्षण हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है आपका? नहीं मतलब है, हिंदू का चीज़ है, हिंदुए रहेंगे। हाँ हिंदू नहीं रहेंगे, बाबा भोले ना। हाँ बाबा भोले नहीं ना, तो उनका जाएंगे तब। और जब से ही भैया तब से समझ जाओ कि यहाँ का आदमी कोई जल्दी जाता नहीं है। विश्वनाथ जी, यहाँ का आदमी कोई जाता नहीं है, अब बहुत इतना वो हो गया पंचायत। हाँ बहुत पंचायत हो गया है, बहुत पंचायत हो गया है। मुस्लिम कह रहे कि मस्जिद है, तो क्या वो मस्जिद है? नहीं है, मस्जिद कहाँ से आ जाएगी? मस्जिद तो कभी की नहीं रही है, उस पूरे साथ से पूरे डॉक्यूमेंट बताएंगे कि मस्जिद नहीं रही है। सारे डॉक्यूमेंट नीचे से जो आ रहे हैं, SI रिपोर्ट जो हो रही है, सर्वे हो रही है, सर्वे में सारे निकल रहे हैं, सारे प्रूफ निकल रहे हैं, स्वास्तिक निकल रहे हैं, त्रिशूल निकल रहे हैं, सारे देवी देवताओं के खंडित मूर्ति निकल रहे हैं, सारे पुराने हमारे देवी देवताओं के खंडित मूर्तियां निकल रहे हैं। और इन लोगों ने केवल जमीन पे नया दीवाल उठाए हैं, बाकी सारी चीज़ें तो पुरानी जैसे है वह है, आज भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अदालत में है, अदालत की प्रक्रिया विश्वास है, अदालत लाएगा। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब बनारस की है, भाईचारा प्रभावित हो जाएगा इससे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम गलत नहीं है तो गंगा जमुनी तहजीब कहीं से नहीं प्रभावित होगी। अगर वो प्रूफ में साक्ष में निकल रहा है कि नहीं ये चीज़ें हैं, ये मंदिर है, पुरातन काल से मंदिर है और 100 साल पहले से सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इसके जो भी SI रिपोर्ट आ रहा है उसमें सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, उस साक्ष्य के आधार पे कोर्ट जो निर्णय लेगा सबको मान्य होगा। वो तो पता उनको भी है कि मंदिर है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, भावनाएं भड़काई जा रही हैं। नहीं, भावनाएं कहीं नहीं भड़क रही हैं, यहाँ बनारस में पूरी जनता एकदम स्वस्थ है, अपने काम में लगी है और रिपोर्ट कोर्ट के इंतजार करेगी। इस रिपोर्ट और इस सर्वे से कोई वो नहीं है, सारी जनता आराम से अपना काम कर रही है। अरे भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? आशीष है। क्या कहेंगे जो सर्वे हो रहा है ज्ञान माफी का? सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है, और हम लोग भी चाहते हैं भाई उसकी सर्वे हो जाए और हम लोग का भी जो है मंदिर है हम लोग को मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कोई विवाद करते नहीं है, विवाद तो उनके तरफ से होना है। हम लोग तो एकदम स्वच्छंद है और हम लोग जान रहे कि अपना है तो फिर अपने के लिए क्या सोचना है, अपना तो है ही है। वो तो कह रहे कि फुहारा है, अब उनके कहने से फुहारा है, कोर्ट बोलेगा ना। इतनी जाँच हो रही है, इतनी इंक्वायरियाँ आ रही हैं, कई लेवल की इंक्वायरियाँ होने तो जाँच में आ जाएगा ना, फुहारा है या शिवलिंग है वो तो जांच में आ जाएगा, अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है कुछ चेक कर लेगा। अच्छा इसमें राजनीति भी हो रही है, राहुल गांधी जैसे बोल रहे कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, अब इसमें इस तरह की चीज़ें केवल चैनल लेवल पर है, आम पब्लिक से इससे कोई मतलब नहीं है, आम पब्लिक कहीं राजनीति नहीं करेगी। गंगा जमुनी तहजीब है तो बनी है, बनी हुई है, हर आदमी अपने रोजी रोटी में घूम रहा है और कोर्ट के भरोसे है, कोर्ट जो कहेगा वो सबको मान्य है। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं। चाचा आप कहाँ से हैं? बनारस से। ये जो ज्ञानवापी को लेकर सर्वेक्षण हो रहा है क्या कहना होगा आपके इस पे? इसके लिए जो हो रहा है कानून अपना काम कर ही रहा, कानून को काम करने दीजिए, कानून काम कर रहा, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। सर्वेक्षण होना चाहिए, विरोध भी हो रहा था सर्वेक्षण का। विरोध करने वाले जो गलत हैं, विरोध तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने गलती किया, गलती को अगर सुधारा जा रहा है तो विरोध का कोई सवाल ही नहीं उठता।
वो तो यह भी करे, पुराने जख्म हरे हो जाएंगे यदि। पुराने जख्म हरे, हमारे 32,000 मंदिर तोड़ दिए थे, हमारे जख्म नहीं भरे थे। उस समय ने इनको ख्याल आया कि कभी कभी नया जनरेशन जब सामने आएगा तो इसका परिणाम क्या होगा। आखिर में 200 साल मुकदमा हम लोगों ने लड़ा ना वहाँ के लिए, अयोध्या के लिए लड़ा ना। अब मस्जिद, अब वहाँ उनको प्रूफ चाहिए था, उन्होंने मस्जिद बनाई थी तो उसका प्रूफ दे रहे थे कि बाबर ने मस्जिद बनाई है, हम प्रूफ दे रहे हैं हमारी मंदिर तोड़ के बनाया गया, जो बनाया जा रहा है वो सही है और इसका परिणाम अच्छा है, बिल्कुल 100%। बताइए सर, केला बेचते हैं? हाँ सर। ये बनारस के हैं? हाँ जी। क्या रेट दे रहे हैं केला? 60 रुपया। ये जो सर्वेक्षण हो रहा है ज्ञानवापी को लेके, क्या कहेंगे इसको? जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, योगी सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है, अच्छा हो रहा है। और क्या अच्छा कर रही है योगी सरकार? अभी तो ये मस्जिद के हिसाब से तो ठीक ही कर रहा है, हमारे लिए तो बहुत एकदम सुकून है। ये आइए हम कुछ और लोगों से जानेंगे। आप कहाँ से हैं सर? नरस से। अच्छा, बोल दिए ना, क्या कहेंगे जो सर्वेक्षण हो रहा है? किस विषय में करा? तो आपने सुनी बनारस की जनता की राय ज्ञानवापी पर जो सर्वेक्षण हो रहा है, जनता का कहना है बनारस की जनता की जो सर्वेक्षण हो रहा है सही हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जो इस पे विवाद है, कुछ लोग शिवलिंग बता रहे हैं, कुछ फव्वारा बता रहे हैं, तो इसका जो निराकरण है वो सर्वे सही होगा। तो सर्वे हो जाएगा, लोग प्रतीक्षा करेंगे परिणाम आने का। तो हम लोग भी, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।